नमस्कार, स्वागत है आपका खासखबर.com पर और मैं हूं पलक गुप्ता। आइए नजर डालते हैं देश की खास खबरों पर। लोकसभा चुनाव 2024, राजस्थान में 12 सीटों पर कम हुआ मतदान, बीजेपी में बेचैनी बढ़ी, 25 में से 25 सीटें जीतना मुश्किल, त्रिपुरा 21 राज्यों की 102 सीटों पर 68% वोटिंग, लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा 83%, बिहार में सबसे कम 49%, बंगाल मणिपुर में हिंसा। पंजाब की संगरूर जेल में बंद कैदियों के बीच झड़प, 2 की मौत। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र समेत 12 राज्यों में हीट वेव, तापमान 43 डिग्री, अगले 3-4 दिन ऐसे ही रहेंगे हालात, 17 राज्यों में आज बारिश का अनुमान। मनीष सिसोदिया ने चुनाव प्रचार के लिए जमानत मांगी, सीबीआई बोली कोर्ट ने इन्हें मास्टरमाइंड माना, बेल मिली तो जांच और गवाहों को प्रभावित करेंगे। पंजाब में भारत पाक सीमा के पास चाइनीज ड्रोन जब्त। आइए अब देखते हैं राज्य की प्रमुख खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा, हर जगह मतदान का प्रतिशत कम हुआ है और इसके कई कारण हैं, लेकिन राजस्थान भाजपा का गढ़ है और हम 25 की 25 सीटें जीतेंगे। लोकसभा चुनाव 2024, बीकानेर संसदीय क्षेत्र में कुल 53.96% मतदान हुआ। दौसा के बस्सी में सर्वाधिक 61.07 व सबसे कम लालसोट में 51.40% रहा मतदान। राजस्थान में मतदान और ट्रैफिक पुलिस के पास नहीं कोई प्लान, आम चुनावों के बाद आमजन परेशान। आइए अब नजर डालते हैं बॉलीवुड जगत की खास खबरों पर। देवा सेट से शाहिद कपूर ने दिखाया अपना ब्लैक एंड व्हाइट लुक। करीना को मिली थी शादी न करने की सलाह, बोली लोगों का कहना था कि करियर खत्म हो जाएगा, मैंने दिल की सुनी और शादी की। आइए अब देखते हैं खेल जगत की प्रमुख खबरें। राहुल की कप्तानी पारी, लखनऊ ने सीएसके को 8 विकेट से हराया। धोनी से धोखाधड़ी के मामले में आरोपियों को समन, कोर्ट ने धोनी को भी दस्तावेज पेश करने को कहा। आइए अब नजर डालते हैं कारोबार जगत की खास खबरों पर। एलन मस्क का भारत दौरा स्थगित। विदेशी मुद्रा भंडार में 5.4 अरब डॉलर की बढ़ी गिरावट। आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की खास खबरें। बगदाद के पास 2 इराकी सैन्य ठिकानों पर बमबारी। पाकिस्तान में बारिश का कहर, 87 लोगों की मौत, 80 से ज्यादा घायल। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी खबरें विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.khaskhabar.com पर लॉगिन करें और प्ले स्टोर से हमारे ऐप खास खबर को डाउनलोड करें। नमस्कार।